नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मंगलवार के दिन यह काम मत करना, घर में आती है कंगाली। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वरना जीवन में संकट और मुसीबत का अंबार लग जाता है। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन बजरंग बली जी की पूजा करना हर संकट से उबार देता है। मंगलवार के दिन उपाय सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं, इसीलिए मंगलवार को बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। इस दिन के लिए धर्म शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। आइए हम कुछ ऐसे कामों के बारे में जानते हैं जो मंगलवार के दिन करने चाहिए। मंगलवार को यह काम करना अशुभ फल देते हैं, तो आइए जानते हैं मंगलवार को ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, मंगलवार को नमक और घी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नंबर दो, पश्चिम और उत्तर दिशा में इस दिन यात्रा वर्जित है। नंबर तीन, मंगलवार के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन इनका सेवन निषेध है। ये सभी चीजें तामसिक है, इनको ग्रहण करने से आपको अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर चार, मंगलवार के दिन उधार लेन देन नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन धन का लेन देन अशुभ माना गया है। इस दिन कर्ज लेने से चुकाना मुश्किल हो जाता है और दिए गए धन का वापस मिलना कठिन हो जाता है। नंबर पांच, मंगलवार के दिन भूलकर भी पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, इस दिन दिशा में की गई यात्रा दिशाशूल मानी जाती है। अगर जरूरी हो तो गुड़ खाकर ही घर से निकले। साथ ही मंगलवार के दिन लाल और नारंगी रंग के वस्त्र पहने और काले रंग के वस्त्र से दूर रहे, ऐसा करने से मंगल का दोष कम होता है। काले रंग के कपड़े से शनि का प्रभाव बढ़ता है और शनिवार और मंगलवार के बीच संबंध है अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर छह, मंगलवार के दिन कर्ज की तरह धारदार सामान जैसे छुरी कांटा कैंची ना तो खरीदे और ना दे। मंगल को ज्योतिष में रक्त और युद्ध का कारण माना गया है। धारदार चीजों की खरीदारी से परिवार में कलह बढ़ता है। नंबर सात, मंगलवार के दिन निवेश करना शुभ नहीं माना जाता है, संभव हो सके तो नया निवेश मंगलवार की जगह बुधवार को करें। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार से निवेश आरंभ करने पर किसी कारण से योजना सफल नहीं हो पाती है या धन का नुकसान होता है। नंबर आठ, मंगलवार को भाई या मित्र से कभी भी विवाद ना करें। नंबर नौ, मंगलवार को किसी भी प्रकार से क्रोध न करें या ग्रह क्लेश से बचे। नंबर दस, मंगलवार के दिन बाल और नाखून काटने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि इसका प्रभाव धन और बुद्धि के साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मंगलवार के दिन नाखून काटना, बाल काटना और दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आयु के 8 महीने कम हो जाते हैं। साथ ही संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर के लिए भी कष्टकारी होता है, इसीलिए भूलकर भी मंगलवार के दिन यह सभी काम नहीं करने चाहिए। नंबर 11, मंगलवार के दिन शुक्र और शनि से संबंधित कोई कार्य न करें। नंबर 12, मंगलवार के दिन शुक्र और शनि से संबंधित वस्त्र पहनना और भोजन करने से भी बचे। नंबर 13, मंगल ग्रह को भूमि का कारक बताया गया है, नए घर का निर्माण या भूमि पूजन नए घर का निर्माण नहीं करना चाहिए, मंगलवार से ये काम शुरू नहीं करने चाहिए, ऐसा करने से उस घर के निर्माण में बाधा आती है या उसमें रहने वाले लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर 14, मंगल को साहस पराक्रम का दाता कहा गया है, इस दिन कांच का सामान खरीदना शुभ होता है, ऐसा करने से घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। बेहतर होगा कि मंगलवार के दिन किसी को कांच की चीजें गिफ्ट में भी ना दे।
तो फ्रेंड्स यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर से बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।